हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स के अंदर हार्दिक स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अपन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी ट्रिक्स वगैरह होती है वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहते हैं। फ्रेंड्स, तो आई होप कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आएगा। जो आज की ट्रिक वगैरह है वो मैं आपके जो प्लांट डिजीज़ होती है, जो कि बैक्टीरिया द्वारा, माइकोप्लाज्म द्वारा है, वायरल डिजीज़ होती है, तो उनकी बात करेंगे। तो उनके अंदर जो माइकोप्लाज्मा और वायरल डिजीज़ के अंदर जो एंटोमोलॉजी का पार्ट होता है, जिसके अंदर कि उनके अंदर वेक्टर पूछा जाता है और वेक्टरों के नाम्स पूछे जाते हैं, और कई बार वेक्टर का नाम देखे या क्रॉप भी पूछ ली जाती है कि ये वेक्टर कौन सी क्रॉप में लगता है या फिर कौन सा रोग किस वेक्टर के द्वारा होता है। तो आज अपन ऐसी शानदार ट्रिक से याद करेंगे कि आपको चुटकियों के अंदर सब कुछ याद हो जाएगा। तो ये आज अपन बात करेंगे एंटोमोलॉजी से रिलेटेड। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूले, जिससे कि अगर नेक्स्ट टाइम हम कोई भी ट्रिक्स वगैरह डालें तो आपके पास में नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो और एक भी ट्रिक आपसे चूक ना हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज बात करते हैं सबसे पहले माइकोप्लाज्मा। तो फ्रेंड्स, मैं बता देता हूँ कि आपको एक तो माइकोप्लाज्मा के द्वारा होती है और एक बैक्टीरिया द्वारा होती है और एक वायरस के द्वारा होती है। तो अपनों के तीनों के वेक्टर्स वगैरह और उनके नाम याद करने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एक एग्रीकल्चर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है। अब सबसे फर्स्ट अपॉन मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अपने को याद करना है वेक्टर वगैरह। तो अब जो फर्स्ट है अपने पास में येलो ड्वार्फ डिजीज़। तो जो येलो ड्वार्फ डिजीज़ होगी वो किसके अंदर होती है फ्रेंड्स? वो होती है राइस के अंदर। और राइस के अंदर जो वेक्टर होता है वो होता है GLH, यानी ग्रीन लीफ होपर, जिसका नाम है नेप्थोटिक्स वायरिक्सेंस। तो फ्रेंड्स, अब मैं बता दूं कि इसको याद कैसे करोगे। तो आज ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आपको लाइफ में कभी भूल नहीं पाओगे फ्रेंड्स। तो सबसे फर्स्ट अपन बता दूं कि माइकोप्लाज्मा है ना, माइकोप्लाज्मा की डिजीज़ों की बात करें, माइकोप्लाज्मा से होने वाले। अब बात कर लेते हैं फर्स्ट की, येलो ड्वार्फ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने सबने सुना होगा ना, राइस तो बने हुए देखे होंगे ना, पुलाव वगैरह। तो पुलाव कैसे दिखते हैं? हमेशा येलो येलो, पुलाव हमेशा येलो ही दिखते हैं ना। तो येलो ड्वार्फ किसकी डिजीज़ हो गई? राइस की। अब बात करते हैं इसका वेक्टर कौन है। तो वेक्टर होगा ग्रीन लीफ होपर। तो मैं आप लोगों को कॉमन सेंस की बात बता देता हूँ, एक सिंपल सी, अगर आपने नोटिस किया हो तो, चाहे माइकोप्लाज्मा हो चाहे वायरस के द्वारा कोई डिजीज़ हो, तो उसके अंदर सबके अंदर राइस वाली के अंदर जो वेक्टर होगा वो आपका GLH ही होगा, ग्रीन लीफ होपर। और GLH ग्रीन लीफ होपर का अगर आपको ये नाम याद करने में परेशानी हो रही है तो हमने एंटोमोलॉजी की प्लेलिस्ट के अंदर देखना आप, हमने इनके शानदार शानदार ट्रिक बना के ये नाम याद करवाए हुए हैं। तो अगर एक बार आप देखोगे उनको तो आपको वो भी याद हो जाएंगे। तो इनकी ट्रिक तो आप बताने से कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले वीडियो डाल रखा है। तो अब येलो कलर, आपने राइस खाए होंगे, राइस हमेशा कैसे होते हैं? येलो, यानी कि पुलाव वगैरह येलो। और अपने को सबसे मोस्ट अपॉन बात कर लेते हैं ग्रीन लीफ होपर। तो फर्स्ट अपॉन बता दूं मैं आपको कि ग्रीन लीफ होपर आपके राइस के जितनी भी जो डिजीज़ आएगी उसके अंदर, सबके अंदर ओनली ग्रीन लीफ होपर ही आएगा। और अब ग्रीन लीफ होपर आप याद कैसे करोगे? अगर आपने पुलाव खाए हैं तो राइस जो पुलाव बनते हैं वो येलो येलो बनते हैं, तो आपको पता होगा कि ग्रीन लीफी, अपन ग्रीन लीफी कोरिएंडर डालते हैं ऊपर से, यानी कि हरा धनिया। तो आपको पता होगा ना, हरे धनिया के बगैर मज़ा नहीं आता राइस या पुलाव खाने के अंदर, तो हरिया धनिया तो होना मस्ट है। तो ग्रीन लीफ होपर आपको पता चली जाएगा कि ग्रीन लीफ डालते हैं उसके अंदर, किसकी? कोरिएंडर की। तो अब इसी से कोरिलेट करके याद हो गया आपको कि जो आपके पुलाव थे वो कैसे बन रहे हैं? येलो, और येलो तो चलो बन गए, लेकिन जो आपके पुलाव अच्छे कब लगेंगे? जब उसके अंदर ग्रीन लीफी कोलियंडर डाला होगा, तो ग्रीन लीफ होपर हो जाएगा, उससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। अब इसके अंदर आप लोगों को दिख रहा होगा कि चलो, अब फर्स्ट अपॉन येलो ड्वार्फ वाला, तो येलो ड्वार्फ डिजीज़ याद हो गई होगी। अब बात करते हैं एक तो फाइलोडी की, एक लिटिल लीफ ब्रिंजल, और एक ग्रासी शूट डिजीज़, और पर्पल टिप रोल का, और एक सैंडल स्पाइक डिजीज़। तो अब मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं फ्रेंड्स, कि अपने को जैसे कि इसको याद करना है तो सबसे पहले अपने को जितने भी लीफ ऊपर है वो अलग कर लेते हैं, ये भी लीफ ऊपर, ये भी लीफ ऊपर, ये भी लीफ ऊपर, ये भी लीफ ऊपर, कि ऑलमोस्ट
जो आपकी माइकोप्लाज्मा के द्वारा या फाइटोप्लाज्मा के द्वारा डिजीज हो रही है वो ज़्यादातर लीफ होपर के द्वारा हो रही है, और एक ग्रीन लीफ तो आपका अलग निकल गया वो राइस के अंदर है ना। अब बाकी बच रहे हैं आपके पास में लीफ ओवर, लीफ ओवर, लीफ ओवर, लीफ ओवर और एक एफिड। तो एफिड की बात अपन लास्ट के अंदर करेंगे। तो आई होप कि आपको ये याद हो ही गया होगा कि लीफ ओवर के द्वारा होते हैं सब के सब। अब बात करते हैं जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जो ब्रिंजल के अंदर लिटिल लीफ होता है तो वो किसके द्वारा होता है, जो उसका वाहक होता है, वेक्टर होता है, वो कौन होता है? तो वो आपका हो गया लीफ होपर। ओनली इसके अंदर लीफ होपर आएगा फ्रेंड्स। तो अब आपको आसानी से याद हो गया होगा, चाहे पर्पल टिप रोल हो, चाहे सैंडल स्पाइक हो, तो सबके अंदर क्या आएगा? ओनली लीफ होपर, लीफ होपर, लीफ होपर। अब एकमात्र आपके पास में बच रहा क्या है? ग्रासी सूट डिजीज, वो होती है आपके शुगर कैन के अंदर और वो होती है एफिड के द्वारा। तो फ्रेंड्स मैं एक चीज़ बता दूँ आपको कि ग्रासी सूट डिजीज़, अब आप याद कैसे करोगे? ग्रासी सूट डिजीज़ शुगर कैन के अंदर होती है। अब इसके अंदर दिख रहा होगा आपको कि सूट, सूट से भी आप कोरिलेट कर सकते हो सूट शुगर कैन। या फिर मैं एक शानदार सी ट्रिक बताऊं कि आपने शुगर कैन के फील्ड में गए होंगे, कितने बड़े शुगर कैन होते हैं ना, लंबे लंबे, कम से कम 10-12 फुट तक के लंबे आराम से होते हैं ना, 10-12 फुट 15 फीट तक के तो होते हैं। तो अपन किसी भी चीज़ को शूट करते हैं ना तो ऊपर करके करते हैं ना, आपने बहुत फिल्म वगैरह कुछ देखी होगी जिसके अंदर शूट वगैरह करते हैं तो वो ऊपर करके ही करते हैं ना। तो अब जितनी भी आपके सामने जो एग्जांपल दी हुई है उनमें सबसे लंबा कौन सा है, जो क्रॉप की बात करें तो जो आपका शुगर कैन होगा उसका ही हो जाएगा। तो इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो सूट किससे कोरिलेट करोगे? आपको शुगर कैन से, और शुगर कैन के अंदर आपका क्या आ जाएगा? एफिड। बस एकमात्र यही है जिसके अंदर की एफिड का यूज़ होगा, बाकी सबके अंदर लीफ ओपर या ग्रीन लीफ ओपर। जो ग्रीन लीफ ओपर आपका राइस निकल गया अलग, बाकी के अंदर सबके अंदर लीफ ओपर। तो अब इनको नाम याद करोगे तो इनके नाम भी आसानी से याद हो जाएंगे अगर एक एक दो दो बार बोलोगे तो। तो आई होप कि ये आपको ट्रिक बहुत शानदार लगी होगी और याद करने में भी आसानी रही होगी। अब अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे जितने भी वायरस के द्वारा होती है तो उसके अंदर अपन जिनके भी जितने भी वेक्टर्स वगैरह हैं उनकी बात करेंगे, है ना। वो भी वीडियो में जल्दी ही डालूँगा आपको। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इनको बात करने के लिए आप एक बार और इसको रीडिंग लगा लीजिएगा और इनको अरेंज कर लीजिएगा अपने हिसाब से सिस्टमेटिक ढंग से, जिससे कि आपको याद करने में और भी आसानी होगी। थैंक यू फ्रेंड्स।